हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से एसएससी एग्ज़ाम्स में और दूसरे सभी एग्ज़ाम्स में, चाहे वो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी के एग्ज़ाम्स हों या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, उसमें हम चीज़ों को याद कैसे रखें, क्योंकि ये सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स के लिए कि चीज़ें याद नहीं रहती, चाहे वो वोकेबलरी हो, चाहे जीके के जो फैक्ट्स हैं वो हो, या कोई भी क्वेश्चन का आंसर हो, उसको हम याद कैसे करें और याद कैसे रखें लंबे समय तक। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये डेमो क्लास है और ये डेमो क्लास 3 है। काफ़ी सारी 2 या 3 डेमो क्लास यूट्यूब पर लॉन्च यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ, CGL टीयर 1 का जो टारगेट बैच है उसके लिए। तो ये डेमो क्लास 3 है, इसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम चीज़ों को याद करते हैं। देखिए, इस समय काफ़ी सारे जो IAS के जो एस्पिरेंट्स हैं, UPSC के जो एस्पिरेंट्स हैं और IIT के जो एस्पिरेंट्स हैं, वो इन दो मेथड्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को याद करने के लिए। तो एक तो है IVL मेथड, जिसको आप बोल सकते हैं इमेजिन, विजुलाइज और लिंक मेथड, जिसको आप शॉर्ट में निमोनिक्स भी बोल सकते हैं। निमोनिक ट्रिक होती है जिसमें हम फैक्ट्स को पहले इमेजिन करते हैं, फिर विजुलाइज करते हैं और फिर लिंक करते हैं। मतलब कोई फैक्ट है तो उसको हम याद करने के लिए उसको किसी चीज़ से उसको दिमाग में विजुलाइज़ करते हैं और उसके बाद उसको लिंक करके दिमाग में रखते हैं। इससे वो वर्ड या कोई भी फैक्ट है वो हमेशा हमें याद रहता है। और यदि IVL मेथड या न्यूमोनिक ट्रिक आप अप्लाई नहीं कर सकते, तो दूसरा जो सेकेंड बेस्ट मेथड है चीज़ों को याद रखने का, वो है आपका रेगुलर रिवीजन। जैसे वर्ड्स को, जैसे मैं याद करता हूँ वर्ड्स को, तो वर्ड्स के लिए मैंने एक रजिस्टर बनाया हुआ है। उस रजिस्टर में जो भी वर्ड मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, या जब जैसे मैं हिंदू पढ़ता हूँ या कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, कोई भी मैगजीन पढ़ता हूँ, तो उसमें रेगुलर बेसिस पर वो वर्ड मैं लिखता रहता हूँ। और जब भी मुझे टाइम मिलता है उस वर्ड को केवल उसको मैं देख लेता हूँ, उस रजिस्टर को खोलता हूँ और उन वर्ड्स को मैं देख लेता हूँ, और इससे वो सारे वर्ड्स मेमोरी में चले जाते हैं, परमानेंट मेमोरी में चले जाते हैं और याद हो जाते हैं। ये एक फैक्ट है। तो या तो आप रेगुलर रिवीजन करिए या फिर IVL मेथड को आप अपनाइए। ये दो मेथड जो हैं, ये किसी भी टॉपिक को, किसी भी सब्जेक्ट को याद करने के लिए बेस्ट मेथड हैं, चाहे वो GK हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे आपका मैथ्स हो, मैथ्स के फॉर्मूले हो या रीजनिंग हो, कोई भी चीज़, कोई भी बेसिक फैक्ट आपको याद करना है तो इस मेथड की मदद से आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पर ये टारगेट बैच मैंने एक स्टार्ट किया है CGL टीयर 1 के लिए। हालांकि इसको यदि आप करते हैं तो इसमें CGL टीयर 2 का भी आपका पूरा बेस बन जाएगा, पूरा कोर्स कवर हो जाएगा, क्योंकि इंग्लिश जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 के लिए सेम ही है। तो इसमें मैं GK भी कवर करूँगा, GK और इंग्लिश इसमें मैं पढ़ाऊँगा। इसको आप 15 जुलाई से पहले आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसकी फ़ीस जो रखी है वो डिस्काउंट करके 1699 की गई है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको ज्वाइन करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो ये मेरा कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है और इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप वेबसाइट पर चले जाएंगे और वहाँ से इस टारगेट बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं CGL टीयर 1 2018 के लिए। और हालांकि इसमें मैं टीयर 1 की ही फ़ीस चार्ज कर रहा हूँ, लेकिन ये टीयर 2 की भी इससे आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि इंग्लिश का जो बेस रहता है वो टीयर 1 और टीयर 2 के लिए ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम वर्ड्स को याद कर सकते हैं। देखिए, एक्रोनिम्स भी हम बनाते हैं। देखिए, कुछ एक्रोनिम्स निमोनिक्स का ही पार्ट है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक GK का एक फैक्ट बनाया है, जैसे हमारी जो सिविलाइजेशन शुरू हुई और उसमें किस तरीके से कौन कौन से मेटल पहले आए, उसके बाद कौन सा मेटल आया। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपर आया, उसके बाद ब्रॉन्ज आया, उसके बाद आयरन आया। तो इसको मैंने एक फॉर्मूला बना लिया CBI। ठीक है, अब CBI से इसको आपने रिलेट कर दिया और इसको आप कभी भूलेंगे नहीं कि पहले कॉपर आया, फिर ब्रॉन्ज आया और फिर आयरन आया। उसी तरीके से ये GPRS, जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की जो लोकेशंस हैं इंडिया में, वो गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है और सिंध है, ये मेन लोकेशंस हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। तो इसके लिए मैंने जो फार्मूला बनाया है वो बनाया है GPRS। GPRS को हम लोकेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं। यह केवल एक सिंपल आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि इस तरीके से फार्मूला बना के, इस तरीके से एक्रोनिम बना के, कोई सेंटेंस बना के आप चीज़ों को बहुत आसानी से, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आप याद कर सकते हैं। जैसे ये मिसाइल्स के नाम हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। तो इसके लिए जो फार्मूला है वो है पटना। इस फार्मूले की मदद से इन GK के फैक्ट्स को आप याद कर सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं अपने टारगेट बैच में स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगा इन टेक्निक्स की मदद से, और निश्चित रूप से ये टेक्निक्स काफ़ी इफेक्टिव रहेंगी। कुछ वर्ड्स हम देखते हैं,
के वर्ड्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट को, कि वोकेबलरी जो है वो याद नहीं होती है स्टूडेंट को। इसको हम कैसे याद करेंगे? जैसे फिकल एक वर्ड है और इसका मतलब होता है अनस्टेबल, तो फिकल का क्या मतलब है? फिकल का आप निमोनिक ट्रिक कैसे बनाएंगे? फिकल का निमोनिक ट्रिक आप बना सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति है वो कहता है कि इस काम को मैं कल करूँगा, फिर वो बोलता है मैं आज करूँगा, फिर वो बोलता है मैं कल करूँगा, तो इसमें कल लगा हुआ है, फिकल, ठीक है। फिर कल मतलब कल करेंगे, यानी वो व्यक्ति जो है वो स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है या विम्सिकल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका फिकल का हो जाएगा अनस्टेबल, जो सिनोनिम होगा वो होगा अनस्टेबल। और स्टेडफास्ट मतलब जो जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया है और जो स्टेबल है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे फिकल का, वो एंटोनिम हो जाएगा स्टेडफास्ट। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आप याद कर सकते हैं, फिकल को आप लिंक कर सकते हैं कल से, कि मैं इस काम को कल करूँगा। दूसरा एक वर्ड है फीबल। अब देखिए फीबल का क्या अर्थ होता है? फीबल का अर्थ होता है जो वीक है, जो कमज़ोर है, जो वीक है या जो कमज़ोर है, फिजिकली भी हो सकता है, मेंटली भी हो सकता है। तो फीबल मतलब जिसमें बल नहीं है, फीबल मतलब जिसमें बल नहीं है, यानी जो वीक है, जो कमज़ोर है। देखिए इस टेक्निक से आप इन वर्ड्स को याद करेंगे तो ये वर्ड्स हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं फ्लंक। यदि किसी भी काम में आप फेल हो जाते हैं, परीक्षा में आप फेल हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्लंक। फ्लंक मतलब जिसके अंक नहीं आए, और जिसके अंक नहीं आए वो फ्लंक कर गया, यानी वो फेल कर गया। देखिए तीन टेक्निक बताई मैंने, और इन तीनों वर्ड्स को यदि इस टेक्निक से आप याद करते हैं तो ज़िंदगी भर आप इन वर्ड्स को भूल नहीं सकते। एग्जामिनेशन हॉल तक तो याद होंगे ही, लेकिन उसके बाद भी ज़िंदगी भर आप इन वर्ड्स को भूल नहीं सकते, और इनको अपने आप रिटन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं, स्पोकन इंग्लिश में भी यूज़ कर सकते हैं इनको आप, ठीक है। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को हम याद करते हैं। एक वर्ड और आया है यहाँ पे लोकेशस। लोकेशस को मैंने कैसे याद किया है? लोकेशस का अर्थ होता है टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, और लोकेशस को मैंने लिंक किया है अपने एक फ्रेंड से, ठीक है, जिसका नाम था लोकेंद्र। और लोकेंद्र जो फ्रेंड था मेरा, वो बहुत ज़्यादा बातूनी था, बहुत ज़्यादा बोलता था, तो लोकेंद्र से इस वर्ड को मैंने लिंक किया है, और इसका अर्थ होता है टॉकेटिव, ठीक है। और इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? इसका अपोजिट होगा टेसिटर्न या रेटिसेंट। ये वर्ड मैंने याद किए हैं रिवीजन से, रेटिसेंट और टेसिटर्न। रेटिसेंट और टेसिटर्न का अर्थ है रिजर्व्ड, बाय नेचर रिजर्व होना, बहुत कम बोलना, टेसिटर्न और रिजर्व, ये होंगे इसके अपोजिट। तो ये दोनों वर्ड मैंने याद किए। लोकेशस को तो मैंने निमोनिक टेक्निक से याद किया है, और टेसिटर्न और रेटिसेंट इसको मैंने किया है रिवीजन से याद। तो ये दो टेक्निक हैं, रिवीजन और निमोनिक, ये बेस्ट टेक्निक हैं। जैसे काउच पोटैटो, काउच का अर्थ होता है एक मोटा सा गद्दा होता है, पोटैटो एक्चुअली रेफर करता है या इंडिकेट करता है एक मोटे से आदमी को, एक मोटे से व्यक्ति को। एक मोटा सा आदमी एक मोटे से गद्दे पर बैठा हुआ है, क्या करेगा? क्या वो काम करेगा? नहीं, काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको आलस आएगा, क्योंकि काफ़ी मोटा है और कंफर्टेबली वो गद्दे पर बैठा हुआ है, तो वो खाली बैठा रहेगा, फालतू बैठा रहेगा, और फालतू बैठ के नॉर्मली क्या करेगा? फालतू बैठ के वो टीवी देखेगा। तो काउच पोटैटो हम एक ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कुछ काम धाम कुछ नहीं करता, और ज़्यादातर टाइम वो टीवी देखता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं काउच पोटैटो। तो ये इसकी डेफिनेशन है। इस तरीके से इस वर्ड को आप याद कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कि किस तरीके से, एक्चुअली इस वीडियो में मेन जो फोकस है वो ये बताना है कि किस तरीके से आप चीज़ों को याद रखें। हालांकि मैं वर्ड्स आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आपका इसमें डबल बेनिफिट हो जाएगा, आपको वर्ड्स भी कुछ मिल जाएंगे और आपको निमोनिक ट्रिक भी पता पड़ जाएंगी। रीमिस, री का अर्थ क्या होता है? री का अर्थ होता है दोबारा करना, रिपीट करना किसी चीज़ को, और मिस मतलब उसको मिस कर देना। तो यदि किसी एक चीज़ को आप बार बार मिस कर रहे हैं तो आप कैसे हैं? आप लापरवाह हैं, आप नेग्लिजेंट हैं, निग्लेक्टफुल हैं, ठीक है। तो इसके लिए दो वर्ड और हैं, डेलिंक्वेंट है और डेरिलिक्ट है, ठीक है। डेरिलिक्ट और डेलिंक्वेंट दो वर्ड हैं। रीमिस मतलब केयरलेस है, जो व्यक्ति जो बार बार किसी चीज़ को मिस कर देता है, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या होगा? केयरफुल। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को याद करना है। और वर्ड्स का देखिए SSC एग्ज़ाम में भी और दूसरे एग्ज़ाम्स में भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वर्ड्स आपको याद नहीं रहेंगे तो वोकेबलरी आप नहीं कर पाएंगे। वोकेबलरी के अलावा आप जो कॉम्प्रीहेंशन होता है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पैसेज, उसको भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारे वर्ड्स पूछे जाते हैं।
और इसी तरीके से सेम जो फंडामेंटल है वो बैंकिंग एग्जाम्स में भी है। यहां पर हम देखते हैं शी हैड बीन सो रिमिस सो टिमिड इन हर गिल्ट बट नाउ शी वुड मेक अप फॉर इट, मतलब ये काफ़ी लापरवाह रही है। तो रिमिस का अर्थ होता है निग्लेक्टफुल, और इसी से मिलता जुलता एक वर्ड और है एमिस या एमिस, ठीक है। एमिस मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें कुछ कुछ चीज मिस है, कुछ चीज मिस है मतलब उसमें उसको आपने गलत तरीके से किया है, वो गलत है, वो हे वायर है, वो औरी है। तो ए मिस का अर्थ होता है कोई भी चीज रॉन्ग या इनएप्रोप्रिएट या हे वायर, ठीक है। जैसे आप यहां पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इफ यू थिंक हिम गिल्टी यू जज एमिस, मतलब यदि आप उसको गिल्टी फील करते हैं तो आपका जो जजमेंट है वो एमिस है, वो रॉन्ग है, वो गलत है। ही स्पोक एमिस, उसने गलत बोला। नो वन टुक इट एमिस व्हेन शी स्पोक फ्रेंकली, जब उसने फ्रेंकली बोला तो किसी को भी उसका जो स्टेटमेंट था वो गलत नहीं लगा। तो ये इन सेंटेंसेस का मीनिंग है। इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको याद करना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्पेबल। देखिए कल्पेबल का अर्थ होता है जो गिल्टी है, जो ब्लेम वर्दी है, जिसके ऊपर ब्लेम लगाया जा सकता है। कल्पेबल को आप जोड़ सकते हैं कल्प्रिट से। कल्प्रिट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर डाउट है कि इसने कुछ गलत काम किया है, वो है कल्प्रिट। और कल्प्रिट से वर्ड बना है कल्पेबल, कल्पेबल, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा वर्ड है, और इसके ये सिनोनिम्स होंगे, ये गिल्टी और ब्लेम वर्दी होंगे। और जो गिल्टी नहीं है या जो ब्लेम वर्दी नहीं है वो कैसा होगा, वो इनोसेंट होगा, ठीक है, निर्दोष होगा। तो इनोसेंट जो होगा ये इसका आपका एंटोनिम हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कल्ट। ये वर्ड भी काफ़ी फैशन में है इस समय, कल्ट, और कल्ट का अर्थ ही होता है फैशन या ट्रेंड, ठीक है। जो चीज़ ट्रेंडी है, जो चीज़ फैशन में है, जो चीज़ ऑफ बीट है, उसको हम बोलते हैं कल्ट। कल्ट एक पर्टिकुलर लोगों का ग्रुप भी होता है जो किसी पर्टिकुलर लीडर को या पर्टिकुलर फैशन को जो फॉलो करते हैं उसको भी हम कल्ट बोलते हैं। सेक्ट का अर्थ भी ग्रुप होता है। तो कल्ट मतलब जैसे हम बोलते हैं दिस हैज़ बिकम अ कल्ट, मतलब ये फैशन बन गया है, ये एक ट्रेंड बन गया है। तो कल्ट का अर्थ होता है ट्रेंडी, ऑफ बीट, फैशन, ये होता है कल्ट का अर्थ। इस तरीके से आप कल्ट को याद कर सकते हैं। एबरिस का क्या अर्थ है? एबरिस में देखिए राइस वर्ड लगा हुआ है, राइस। देखिए एक खाना आप खाते हैं, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसको राइस चाहिए, उसके बाद फिर उसको राइस चाहिए, उसके बाद उसको फिर राइस चाहिए, मतलब जो काफ़ी लालची व्यक्ति है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एबरिस। एबरिस एक्चुअली लालच को हम बोलते हैं, ठीक है, ग्रीडीनेस को हम एबरिस बोलते हैं। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। क्यूपिड भी लालची होता है, क्यूपिड, क्यूपिडिटी, रेपेसिटी और कोविटसनेस, ये हैं इसके सिनोनिम। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेपेसिटी, ठीक है, और क्यूपिडिटी। क्यूपिडिटी को आप कब से जोड़ सकते हैं, कब से किसी तरीके से इसको लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा जेनरोसिटी, यानी उदारता, जिसको लालच नहीं है किसी चीज़ का। तो ये है, इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको याद करना है। दो वर्ड मैं और बताता हूँ आपको, हालांकि इस वीडियो में और भी वर्ड मैं बताऊँगा आपको, तो पूरा वीडियो आप देखते रहिए। अपराइज, अपराइज का अर्थ क्या होता है? अपराइज का अर्थ होता है जैसे किसी ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है, तो आप जाएंगे अपने बॉस के पास और उनको अपराइज करेंगे, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे, उनको आप बताएंगे कि ये हुआ है, ठीक है। तो अपराइज के बाद हम ऑफ लगाते हैं, और इसका अर्थ होता है पास ऑन, मतलब सूचना को पास ऑन करना। एक्वेंट करना, किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से परिचित करना, एक्वेंट या इम्पार्ट करना, ठीक है। तो ये होता है अपराइज। अपराइज को आप याद कैसे करेंगे? राइज माने क्या होता है? उठना। यदि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो आप अपनी कुर्सी से उठाएंगे और उसके बाद दूसरी जगह जाएंगे और दूसरे व्यक्ति को इन्फॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब होता है अपराइज। अपराइज, अप मतलब उठना, ऊपर उठना, और उसके बाद राइज, उठ के किसी चीज़ को किसी व्यक्ति को बताना। इस तरीके से इसको आप याद कर सकते हैं। और अपरेज, देखिए ये है अपरेज। अप्रेज का अर्थ होता है किसी व्यक्ति का इवेलुएट करना, किसी व्यक्ति को असेस करना, उसको उसको उसका आकलन करना, ठीक है, किसी पैरामीटर पे वो सही उतरता है या नहीं। तो जैसे जैसे कंपनीज में अप्रेजल होता है, यदि किसी व्यक्ति की परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसका उसकी सैलरी उसको सैलरी रेज दिया जाता है। देखिए इसमें भी रेज वर्ड आया है। अप्रेजल के बाद ही
सैलरी रेज दिया जाता है, अप्रेजल के बाद ही सैलरी रेज दिया जाता है। ठीक है, तो अप्रेजल का क्या अर्थ हुआ? एवेल्युएट करना या असेस करना, ये हुआ अप्रेजल का अर्थ। और ये वर्ड काफ़ी यूज़ होते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में और वोकैबुलरी सेक्शन में, काफ़ी ये वर्ड्स यूज होते हैं। कुछ नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, अबिस्मल। अबिस्मल एक्चुअली इसमें जेड की साउंड आती है, अबिस्मल बोलते हैं इसको। अबिस्मल का अर्थ क्या है? अबिस्मल का अर्थ है लिमिटलेस, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत ही ज़्यादा, आप किसी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा मात्रा या क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे अबिस्मल। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अबिस्मल मिजरी, अबिस्मल स्टूपिडिटी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ी मूर्खता। द अबिस्मल डेप्थ ऑफ द ओशन, ओशन की जो डेप्थ है वो अबिस्मल है, लिमिटलेस है। और इसका मतलब टेरिबल भी होता है, अबिस्मल का अर्थ टेरिबल, बहुत ख़राब, बहुत बेकार, उस सेंस में भी अबिस्मल वर्ड को हम यूज़ करते हैं। एडवर्सरी को कैसे याद करेंगे? एडवर्सरी का अर्थ होता है अपोनेंट, ठीक है, जो आपका विरोधी है। और एडवर्सिटी का क्या अर्थ है? एडवर्सिटी का अर्थ है विपत्ति। तो जिस एडवर्सरी जो होता है वो आपको एडवर्सिटी में डाल देता है, एडवर्सरी जो होता है वो आपको एडवर्सिटी में डाल देता है, विपत्ति में डाल देता है, आपका जो अपोनेंट होता है। तो एडवर्सरी का अर्थ होगा आपका अपोनेंट, आपका विरोधी। इस तरीके से इन वर्ड को आप याद कर सकते हैं। कुछ नए वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ। बम फजल, बम फजल, देखिए बम फजल की जो साउंड है वो कन्फ्यूज जैसी साउंड है, बन बम फजल और कन्फ्यूज, इसमें भी एफ यू आ रहा है, इसमें भी एफ यू आ रहा है। तो बम फजल का अर्थ होता है कन्फ्यूज हो जाना, परप्लेक्स हो जाना या फ्लस्टर्ड हो जाना, फ्लस्टर्ड। तो ये एक नया वर्ड है और इस बार CGL एग्जाम में Tier 1 में कुछ नए वर्ड निश्चित रूप से पूछे जाएंगे। कैटी वेम्पस का क्या अर्थ है? कैटी वेम्पस को कैट से जोड़ सकते हैं, कैट यानी बिल्ली, एक बिल्ली आई आपके कमरे में और जो सामान रखा हुआ है उसको तितर बितर कर दिया। तो कैटी वेम्पस का अर्थ होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉपरली अरेंज नहीं है, नॉट लाइंड अप और नॉट अरेंज करेक्टली और डायगोनली। तो कैटी वेम्पस मतलब जो चीज़ें अनअरेंज हैं, डिसअरेंज हैं, उसको हम बोलते हैं कैटी वेम्पस। तो ये है काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। गबिंस का क्या अर्थ है? गबिंस का अर्थ है कोई भी ऐसी चीज़ जो यूजलेस है या वर्थलेस है या मूर्ख व्यक्ति है। ठीक है, गबिन को आप याद कैसे करेंगे? गबिंस को आप याद कैसे करेंगे? जिसको आप, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप डस्टबिन में डाल सकते हैं वो होगी गबिंस। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लिटिल और नो वैल्यू एंड इज ऑल्सो रेफरिंग टू ए गैजेट और डिवाइस। इट कैन ऑल्सो रेफर टू ऑट्स एंड एंट्स और रविश एंड ऑर्डली इनफ कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ सिली पर्सन। सिली पर्सन को भी हम गबिंस बोल सकते हैं। ए बिब्लियोफोबिया, देखिए एक होता है बिब्लियोफाइल, फाइल मतलब किसी चीज से प्यार करने वाला, और फोबिया मतलब किसी चीज से डरने वाला। तो इसमें फोबिया वर्ड आया है, इसका अर्थ होता होगा किसी चीज़ से डरना। बिब्लियो का अर्थ होता है किताबें, लेकिन इसमें ए दिया है तो इसका मतलब होगा कि ए बिब्लियोफोबिया का मतलब होगा कि किताबों के ख़त्म हो जाने का डर, रीडिंग मटेरियल ख़त्म हो जाने का डर, रनिंग आउट ऑफ द थिंग्स टू रीड, उसको हम बोलेंगे ए बिब्लियोफोबिया। इस तरीके से ए बिब्लियोफोबिया वर्ड को आप याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इन वर्ड्स को और जीके के फैक्ट्स को याद करना होता है, और मुझे उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन इस वीडियो क्लास का आपको अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से मैं अपने टारगेट बैच में CGL Tier 1 के लिए जो क्रिएट किया है उसमें स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँगा, और काफ़ी इफेक्टिव तरीके से उसमें सारी चीज़ों को मैं स्टूडेंट्स को याद करवाऊँगा। तो यदि आप टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर आप ज्वाइन करें, लेकिन 15 जुलाई से पहले ज्वाइन करें, और केवल 100 स्टूडेंट को ही इसमें एडमिशन दिया जाएगा, और उसके बाद 15 जुलाई को एडमिशन इसमें बंद हो जाएगा। तो जल्दी करें और इसमें एडमिशन लें आप। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और यहाँ पर मेरे नंबर भी दिए हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी है और कॉलिंग का नंबर भी है, इसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बैच को आप तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश एडवांटेज चैनल पर भी मैं डेमो वीडियो डाल रहा हूँ CGL Tier 1 के लिए, और दूसरे वीडियोज़ भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो इस चैनल के आप सभी वीडियो रेगुलरली देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। टिल देन बाय एंड हैव एन ऑसम डे। थैंक यू।